तकरीबन 7-8 साल स्कूल में हूँ। मुझे 1.5 साल हुए। ये हमारा अच्छा सफर है, ये हमारी 10वीं क्लास की जो है अलविदाई पार्टी। आज हमारे 10 की पार्टी थी, तो जैसे मैं स्कूल पहुंचता हूं तो यहां कुछ टीचर्स के अलावा सारे स्टूडेंट्स पार्टी वाली जगह के लिए निकल चुके थे। तो सर दानिश ने कहा आप भी चले जाएं पार्टी वाली जगह पर, हम यहां पर सारे काम संभाल लेंगे। तो यहां से हम निकल जाते हैं सर जाकिर और असद के साथ। हमें इतना दूर भी नहीं जाना था, लेकिन क्योंकि हम लेट हो चुके थे तो इस वजह से हमने कहा कि चलो ज़्यादा तेज़ मोटरसाइकिल ज़्यादा चलाते हैं और जल्दी से पहुंच जाते हैं। मुझे डर था कि कहीं हम गिर ना जाए, बहुत ही एहतियात से मैं ड्राइविंग कर रहा था। यहाँ सड़क से हमें दरिया सिंध बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ तक तो सड़क बिल्कुल ठीक था। हम यहाँ पर पहुँच गए सनी वाली पुल पर, यहाँ तक सड़क बिल्कुल ठीक था, लेकिन आगे सड़क बहुत ख़राब था। यहाँ अगर मोटरसाइकिल तेज़ चलाता है तो पंचर होने का खतरा था, तो हमने कहा थोड़ा सा आहिस्ते चला लेते हैं। हम टीचर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बच्चे तो थे नहीं है, तो हमने कहा कि हम अकेले एंजॉय कर लेते हैं। हमने तस्वीरें खींची। हमारा काफ़ी वक्त गुजारने के बाद टीचर की कॉल आई कि हम दरिया की तरफ आ गए हैं, आप वहीं पर आ जाएं। ये जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं या ये जो घर है, ये सारे खाली पड़े हैं, इनमें कोई भी नहीं रहता। ये सारे खाली मकानात हैं, ये कई साल हो गए कि आज तक खाली पड़े हुए हैं। इनमें ना कोई रहता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता। जल्दी मैं एक नया ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आखिर कैसा क्या हुआ कि जो कमरे हैं ये आज भी खाली पड़े हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस जगह का नाम पीर पियाई है, लेकिन इस जगह ही नहीं, जो आप दो कमरे देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको लोग झूला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमने अपने बाइक को खड़ा किया, थोड़ा आगे आए तो देखा कि उस्तादा तो दरिया की दूसरी पार चले गए थे, हम उनको दूर से देख सकते थे। यहाँ सर असद ने कहा कि हम भी नीचे चले जाते हैं, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ रवाना हो जाते हैं।